हे फैमिली, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। तो हम पहुंच चुके हैं दिल्ली। आप देख सकते हैं ये है दिल्ली की बस। मतलब जब मैं स्टेशन पहुंच गई थी उसके बाद ही मैंने शूटिंग स्टार्ट की, ट्रेन वगैरह मैंने की। तो क्यों गए हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ही मेरी फ्रेंड का बर्थडे और मैं उसके घर के पास, ये देखिए, लाओ दिखाओ दो। हमको वाटर चाहिए 1 किलो। और ये दो पागल मेरा भाई और मेरा हस्बैंड, दोनों साथ में। अभी नहीं ले रहा है तुमको, भूखे मर जा। और ये उसका बर्थडे केक, ये सच में। आ जाओ। कहाँ गई? हाय, आ जाओ। हाय रिजू, कैसे हो? अरे मैं पे आ गया। ओ वाले और लाइफ भरे बंदा पुरिया तुदी कुड़िया जो कुड़े तू भी बहुत जंज दी बल्ली बखो अख दो तड़े हो गए गल रह गई हुन सारी तेरे हाथ दी। चलो ये रहा सिका का बर्थडे केक। आटा चाहिए 1 किलो आटा। और ये रही सिका। पर पायल कहाँ है? सो रही है वो। 1 2 3 चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सिका, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छे से ये भाई हम बिखरा देते हैं। ले ले, चला जा। हैप्पी बर्थडे। लो दीदी। अब मैं आपको पता चल गया होगा कि हम लोग दिल्ली किस लिए आए हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड सिका का बर्थडे था इसलिए हम लोग दिल्ली गए थे। वहाँ पर हमने रात को उसे सरप्राइज़ दिया, जाके रात को 12 बजे उसके घर के नीचे पहुँच गए थे। तो वहाँ पर सरप्राइज़ दिया उसको, उसको बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा। तो हम दिल्ली गए हैं स्पेशली उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और इसका बर्थडे हमने रात को तो जस्ट नॉर्मल घर पर सेलिब्रेट किया। मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग जाने वाले हैं हयात रेजेंसी जो कि है दिल्ली में। तो अब हम मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज है मेरी फ्रेंड का बर्थडे और हम लोग जा रहे हैं अभी कैब करके बाहर जा रहे हैं जहाँ पे हमारी बुकिंग है वहाँ पर दिल्ली में। तो फिर चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं कैब में। ये है गाजियाबाद की गलियां जहाँ मैं पहले रहा करती थी गाजियाबाद में। हम लोग सड़क पे वेट कर रहे हैं बिकॉज कैब आने वाली है। तो चलो आप कैब में मिलते हैं आपसे। देखो ये बर्थडे गर्ल और हम पहुंच गए कैब में। हाय कर ले। तो अभी हम बैठ चुके हैं कैब में से। हम लोग गए थे गाजियाबाद से दिल्ली और ये देखिए रास्ते में क्या हो गया। मतलब आधे रास्ते जो दिल्ली का बॉर्डर है ना, वहाँ पर जाते जाते हमारी कैब हो गई थी ख़राब। और हम लोग यहाँ पर इतनी धूप में, मतलब दिल्ली में काफ़ी गर्मी पड़ रही है तो यहाँ पर धूप में खड़े हुए हैं। इतना कॉल आ रहा है तो उस पर लिख गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी हो गई है कैब पंक्चर और हम लोग खड़े हैं रास्ते में। जब हम जा रहे थे याद रखे लगी है फोन पे कंटिन्यू। और ये देखो पानी पीने में आए है। इतनी गर्मी हो रही है दिल्ली में, बाबा रे बहुत ज़्यादा। मतलब कंपेयर टू मुंबई दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इसकी कैब की है, देखो बस आने वाली है। तो फ्रेंड्स, वाली कैब को सही होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था तो इसलिए हमने फिर एक न्यू कैब बुक की वहीं से बीच रास्ते से ही। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं, ये है हयात रेजेंसी जो कि ये है इसका एंट्रेंस गेट, एंट्री गेट। यहाँ पर जस्ट कैब रुकी थी और हम लोग अब जा रहे हैं अंदर हयात रेजेंसी में। आप देख सकते हैं सब अपना अपना बैग। हम 4-5 फ्रेंड थे जो सभी लोग वहाँ पर आए थे सिका का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो हमने बुकिंग पहले से कर रखी थी। जो भी डिटेल्स रहेगी हयात रेजेंसी की, कितने की बुकिंग है, कैसे करना चाहिए, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये है उसका एंट्रेंस गेट या और उसका जो हॉल बोल सकते हैं हम, वहाँ का लोकेशन। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पर पहुँचे और फॉर्म वगैरह लिए, सबके अलग अलग फॉर्म फिल करने थे। 3 रूम की बुकिंग की थी हम लोगों ने। तो सिखा लेके आई है वहाँ से फॉर्म और वही फिलअप कर रही है। बाकी हम लोगों ने अपने अपने फॉर्म फिल किए थे। वहाँ पर हम लोगों को चेक इन 2 बजे मिला हुआ था, 2 बजे के लिए बोला था चेक इन के लिए। और हम 3 लोग पहले पहुँच गए थे, 4 लोग खुशबू पहले पहुँच गई थी और 2-3 फ्रेंड जो हमारे थे वो बाद में आने वाले थे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ का जो हॉल का है ना वो पूरा व्यू दिखा देती हूँ कि कैसा है ये 5-स्टार होटल, और आपको रूम वगैरह भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ के जो हॉल का, जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, वहाँ का व्यू कितना प्यारा और कितना सुंदर है ये।
पूरा व्यू कितना अच्छा है ना। उसके बाद में हम लोगों को चेक इन मिल गया, हम लोग रूम में पहुंच गए, तो आपको दिखाते हैं अपना रूम। लुक एट दिस एंड फोटो ही ले रहे हैं बस। और ये है हमारा वॉशरूम यहाँ पर। ओके दिस इज बाथटब, इट्स टू स्मॉल। दिस इज वॉशरूम एंड वे शो। आर ए सी का एंड अगेन दिस इज रूम। वाओ सुपर डुपर प्रिटी। एंड सुपर ये बाहर का व्यू है जो कि रूम से दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। और ये है मेरे हस्बैंड मिस्टर एम। तो दिस मी, ये देखिए ये यहाँ पर वाटर एंड ग्लास। लोग आ गए हैं फिर से नीचे क्योंकि हमारी फ्रेंड सुनीता आई है, तो उसको हम लोग लेने के लिए आए हुए थे। बिकॉज विदाउट वहाँ पर जो एंट्री गेट कार्ड होता है ना, उसके बिना हम किसी को लेके नहीं आ सकते। तो वहाँ पर उसका फॉर्म करवाया, फिल करवाया, फिर हम लोग ऊपर गए। तो साथ ही साथ में हम लोगों ने ऊपर जब पहुँच गए खूब ज़्यादा इन्जॉय किया, वहाँ पर खूब ज़्यादा मस्ती की, सब रेडी हुए, सिका का बर्थडे केक कट किया। तो उसकी मैं ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाई, ये था सिका का बर्थडे केक। उसके बाद में हमने दिन में काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। देखिए सब मतलब खाने पीने में लगे हुए अपना, मस्त से डिनर कर रहे हैं। बाकी ये दो फ्रेंड और थे हमारे जो हम लोग आए थे। तो अभी हम पहुंचते हैं इवनिंग के टाइम पे सीधा डायरेक्ट, बिकॉज इवनिंग के टाइम का ये था वहाँ का इवनिंग टाइम का लुक। स्विमिंग पूल पे हम लोगों ने भी थोड़ा सा नहाया वगैरह था और वहाँ पर इंजॉय किया। फिर इवनिंग के टाइम पे जब ऊपर पहुँचे, फिर रेडी होकर नीचे आए, देन उसके बाद में हम लोगों ने डिनर किया यहाँ पे। तो ऐसा रहा हमारा फर्स्ट डे हयात में। और डिनर करने के बाद, डिनर काफ़ी अच्छा था यहाँ पर, मतलब सारे कॉन्टिनेंटल फूड थे, तो सब कुछ था, कुछ भी रहेगा जो भी आपको खाना है, नॉन वेज, वेज, पोर्क, पोर्क, जो भी खाना है आपको वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल था। जितने में आपकी बुकिंग होगी उसमें सब कुछ खाना वगैरह इंक्लूड रहेगा, आपका ब्रेकफास्ट एंड डिनर, और आपको लंच खुद से ही लेना पड़ेगा। तो अभी मिलते हैं हम मॉर्निंग के टाइम पे। आपको मैंने कैफेटेरिया नहीं दिखाया, बट मॉर्निंग में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग फैमिली। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 o'clock और मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग जग चुके हैं। तो ये देखिए दिल्ली का व्यू। लुक एट दिस, ये मैं अपने रूम की जो विंडो है वहां से आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। गुड मॉर्निंग दिल्ली एंड गुड मॉर्निंग मिस्टर एम। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में फ्रेश वगैरह होंगे, नहाएंगे, देन उसके बाद में फिर ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट में, बाय। हम सब लोग रेडी होके पहुंच गए हैं कैफेटेरिया में। तो आपको यहाँ का कैफेटेरिया व्यू दिखाते हैं कैसा है। देखा आपने कैफेटेरिया का जो लोकेशन था, पूरा व्यू था, कितना अच्छा था। उसके बाद में हम लोगों ने वहाँ से 11 बजे चेकआउट किया। हम वहाँ पर सिर्फ एक दिन स्टे किए थे बिकॉज ऑफ सिका का बर्थडे सेलिब्रेशन करना था। ये कुछ पिक्स हैं जो आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने जो वीडियो था वहाँ पर वो शूट नहीं कर पाया था उस केक कटिंग के टाइम पर। हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और हयात रेजेंसी रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 5-star होटल है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, फैसिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बस वहाँ पर कॉन्टिनेंटल फूड मिलता है, तो मे बी अगर आप लोग जाओ तो आपको फूड इतना अच्छा ना लगे, बट वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, वेज नॉन वेज। तो इस तरह से रहा मेरा दिल्ली का जो फर्स्ट एंड सेकेंड डे जो मैंने आपको दिखा दिया है। अभी एक और वीडियो है क्योंकि दिल्ली गई हूँ, सरोजिनी नगर ना जाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाला है सरोजिनी नगर हॉल। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट। बाय बाय।